हेलो साथियों, नमस्कार। पीएनजे ब्लॉग्स में पर आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से। इसमें है कि सेवा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण बिहार, राज्यपाल के प्रधान सचिव बिहार पटना, विकास आयुक्त बिहार, प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार पटना, निर्देशानुसार 25 सितंबर सोमवार को अपराह्न 3:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। निशित वर्मा सरकार के संयुक्त सचिव, इसमें देख सकते हैं। कनीय अभियंता भवन निर्माण विभाग को भी है, निदेशक सूचना जनसंपर्क विभाग को भी है नोटिस। अवर सचिव वित्त विभाग से प्रभारी पदाधिकारी सभाकक्ष मुख्य सचिवालय पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अवर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के बैठने हेतु सभाकक्ष के बगल वाले कक्ष में व्यवस्था की जाए। निशित वर्मा सरकार के संयुक्त सचिव, 23/9/23 के डेट में यह जारी हुआ है। तो बहुत बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज है। संभव है कि इसी मीटिंग में शिक्षकों के लिए राजकर्मी की दर्जा जो देने की बात है उस पर फाइनल डिसीजन लिया जाए। यह तो यह हो गई। आने वाले अक्टूबर के जो फर्स्ट 2 वीक है उसमें जानकारी हो जाएगी क्या होने वाला है। इसके आगे जो है वह अवकाश तालिका से संबंधित है। इसमें देख सकते हैं सारी जो अवकाश है शिक्षकों को मिलने वाले वो दिया हुआ है, ये सब बीत चुका है। और अभी आने वाले 28 सितंबर को यानी गुरुवार पड़ता है, तो ये जो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है, अनंत चतुर्दशी भी है इसी तारीख में, उसका एक अवकाश, एक अवकाश हिंदी और उर्दू माध्यम दोनों में है। फिर आगे चलकर जो है 6 अक्टूबर शुक्रवार से 7 अक्टूबर शनिवार तक हिंदी माध्यम में भी छुट्टी है जितिया को लेकर। दुर्गा पूजा की जो छुट्टी है वो 16 अक्टूबर सोमवार से 25 अक्टूबर बुधवार तक हिंदी माध्यम में है। और 13 नवंबर सोमवार से 21 नवंबर मंगलवार तक यह दिवाली, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा की छुट्टी होने वाली है। फिर आगे चलकर 25 दिसंबर सोमवार को क्रिसमस डे की छुट्टी होगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यही क्रिसमस डे वाला आखिरी छुट्टी होगा साल का, तो इसे नोटिस मिलेंगे। अच्छा लगे न्यूज इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।